नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने राजद कोटे के अपने तमाम मंत्रियों से एक अनुरोध किया है। यूं कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने एक अनुरोध करते हुए कई सारी बातें कही हैं और उन्होंने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में तेजस्वी यादव ने लिखा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे आरजेडी कोटे के सभी माननीय मंत्रियों से हमने निम्न आग्रह करने का निवेदन किया है। अब ये आग्रह क्या है तेजस्वी यादव का, वो हम आपको दिखाते हैं। दरअसल आप इस तस्वीर को देखिए जो हमने स्क्रीनशॉट लेकर आपको दिखाने की कोशिश की है। तेजस्वी यादव ने पहले नंबर पर तो लिखा है कि सरकार में राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से बने मंत्री विभाग में अपने लिए कोई नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के मंत्री उम्र में उनसे बड़े कार्यकर्ता, शुभचिंतक, समर्थक या फिर किसी भी अन्य व्यक्ति को पांव नहीं छूने देंगे। शिष्टाचार और अभिवादन के लिए हाथ जोड़कर प्रणाम, नमस्ते और आदाब की परंपरा को ही बढ़ावा देंगे। इसके बाद तेजस्वी यादव ने तीसरी बात जो लिखी है वो ये है कि सभी मंत्रियों से आग्रह है कि उनका सभी के साथ सौम्य और शालीन व्यवहार हो तथा बातचीत सकारात्मक रहे। सादगी से पेश आते हुए सभी जाति धर्म के और गरीब और जरूरतमंद लोगों को अविलंब प्राथमिकता देने के आधार पर मदद करेंगे। इसके बाद तेजस्वी यादव लिखते हैं, किसी से भेंट स्वरूप पुष्प गुच्छ गुलदस्ता लेने देने के स्थान पर किताब कलम के आदान प्रदान को बढ़ावा देंगे और इस आशय का आग्रह लगातार करेंगे। सभी विभागीय कार्यों में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ईमानदारी, पारदर्शिता, तत्परता और त्वरित क्रियान्वयन की कार्यशैली को भी बढ़ावा देंगे। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने जो लिखा है वो ये है कि सभी माननीय मंत्रीगण, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, बिहार सरकार और अपने अधीनस्थ विभागों, कार्य योजनाओं और विकास कार्यों का सोशल मीडिया पर लगातार प्रचार प्रसार करेंगे ताकि जनता को आपके हरेक पहल की सकारात्मक जानकारी प्राप्त हो सके। तो तेजस्वी यादव ने एक आग्रह किया है, बड़ा आग्रह किया है और इसमें कई सारी बातें उन्होंने 6 पॉइंट्स में समझाया है, आग्रह किया है आरजेडी कोटे के तमाम मंत्रियों से। और सबसे खास बात यह है कि तेजस्वी यादव ने शिष्टाचार का पालन करने की अपील की है और कहा है कि आपसे उम्र में जो भी बड़े हैं, चाहे वो शुभचिंतक हो, आपके कार्यकर्ता हो, आपके फैन हो या फिर आपके कोई नेता ही क्यों ना हो, किसी से भी पैर नहीं छुआना है। और इसके अलावा तेजस्वी यादव ने जो बड़ी बात कही है वो ये है कि कोई भी आरजेडी कोटे का मंत्री नई गाड़ी नहीं खरीदेगा। देखिए, तेजस्वी यादव ने काफी बड़ी बड़ी बातें कही हैं। कहा है कि हमने आग्रह किया है अपने लिए कोई गाड़ी नहीं खरीदेंगे। नई राष्ट्रीय जनता दल के मंत्री उम्र में बड़े और उनसे जितने भी उम्र में बड़े कार्यकर्ता हैं, शुभचिंतक हैं, समर्थक हैं या फिर किसी भी व्यक्ति को वो पांव नहीं छूने देंगे जो उनसे उम्र में बड़ा हो। बड़ी बड़ी बातें तेजस्वी यादव ने कही है। आपको पता है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बन चुकी है। तेजस्वी यादव जो है डिप्टी सीएम के पद पर काबिज हो चुके हैं। इसके साथ ही कई अन्य विभागों का कार्यभार भी उन्होंने संभाल लिया है, जिसकी तस्वीर भी वो लगातार साझा करते आ रहे हैं। लेकिन अब तेजस्वी यादव ने आरजेडी कोटे के बिहार में तमाम मंत्रियों से बड़ी अपील की है और कई सारी बातों को उन्होंने तथ्यों के आधार पर पेश किया है और उनसे आग्रह किया है कि इन बातों को आपको मानना होगा और इन्हीं बातों को मानते हुए बिहार में जितने भी आरजेडी कोटे के हमारे मंत्री हैं वो शिष्टाचार का पालन करेंगे। नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे और इन्हीं कार्यों को बढ़ाते हुए जो है बिहार में कार्य करने की उन्होंने योजना बताई है। और यह भी कहा है तेजस्वी यादव ने कि जितने भी अधीनस्थ विभाग हैं, कार्य योजनाओं और विकास कार्यों का सोशल मीडिया पर लगातार आपको प्रचार प्रसार करते रहना है ताकि पार्टी के कार्यों को, सरकार के कार्यों को लोगों के बीच में रखा जा सके, प्रस्तुत किया जा सके। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।